हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द एक्सप्लोर एरिया 69। सब करते हैं एक्सप्लोर एक्सपोज। आज अपने साथ है महिंद्रा 575 DI। आज अपने इसका कर देंगे रिव्यू पूरा। आप देखना, बहुत मजेदार रिव्यू होने वाला है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बहुत गर्मी आज, पर फिर भी हम आपके लिए पूरा वीडियो ले गए हैं। एक आज मैं आपके लिए बहुत खास वीडियो ले गया हूं, जिसके अंदर अपने बात करने वाले हैं महिंद्रा 575 DI। फ्रंट में देखेंगे, सबसे पहले फ्रंट में चलते हैं। फ्रंट में अपने स्टार्ट करते हैं। बैचिंग महिंद्रा की बैचिंग मिल जाती है यहाँ पे। दोनों साइड हेलोजन मिल जाते हैं अपने को। ये अपने को ग्रिल मिल जाती है इसकी जाली के साथ। इससे जो ट्रैक्टर में फ्रेश एयर जाती है, जिससे इंजन जल्दी गर्म नहीं होता, बहुत ज्यादा ठंडा रहता है इंजन, ठीक है। और इसकी व्हील की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट व्हील देख सकते हो आप। ये पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर नहीं है, तो इसमें वो पंप नहीं होगा यहाँ पे। ये देखो, इसमें पंप नहीं है। और बात करें इस व्हील की, तो आप देख सकते हो व्हील कंपनी है CEAT। इसका ये व्हील है। और बैक व्हील की बात करें, ये देख सकते हो आप, इतना ये वाइड व्हील है पूरा। आप ये देख सकते हो, ये अपोलो कंपनी का है, ठीक है। अपने बैक में चलते हैं, उसके बैक में मिल जाते हैं अपने को टेन लाइट मिल जाते हैं। टेन लाइट में अपने को विद इंडिकेटर मिल जाता है, एक हैलोजन मिल जाता है राइट साइड, लेफ्ट साइड में नहीं दे रखा ये कंपनी वालों ने। अपने वहां पे लिफ्ट मिल जाती है, और ये अपने को ट्रैक्टर ट्रॉली भी से जोड़ने के लिए बहुत काम आता है। एक टूल बॉक्स मिल जाता है अपने को, देख सकते हो आप। और दोनों साइड विद इंडिकेटर मिल जाता है। और सिलेंडर की बात करें, तो 4 सिलेंडर इसमें मिल जाते हैं अपने को। और ये देखो आप, अपने को जो है ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने, तो एक ये फुट रेस्ट है, एक ये है, अपने ऐसे इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं अपने बैठ के। और एक बहुत ही खास वीडियो अपने को, अगर इंजन ऑयल चेंज करना है तो अपने यहाँ से इंजन ऑयल चेंज कर सकते हैं। ये इसका क्लच है, ये इसकी मल्टीपल ब्रेक का। अगर अपने को ये लॉक होता है, अपने को दे रखा होता है, और इसको लॉक खोल देते हैं, तो ये ब्रेक इस टायर की, इधर वाली ब्रेक इस टायर की, अगर दोनों एक साथ है, तो मल्टीपल करने के लिए इसको लॉक को अपने यहाँ पे लगा देंगे। अब ये दोनों मल्टीपल होगी। यहाँ पे इसका एक्सीलरेटर दे रखा है, यहाँ पे भी एक्सीलरेटर है। अपने कुछ इस टाइप का व्हील मिल जाता है यहाँ पे, देख सकते हो आप। पावर स्टीयरिंग व्हील नहीं है। काफी अच्छा एंगल देखने को आपको मिल जाता है, काफी अच्छा तरीका मिल जाता है। आप देख सकते हो कितना वाइड लग रहा है, कितना ह्यूज लगता है। साइड में मिल जाता है अपने को एक मिरर। ये अपने को मिल जाता है एयर फिल्टर। ये एयर फिल्टर जो इंजन के अंदर जो ऑयल होता है, उसके अंदर ये ड्रॉप हो रखा था, डूबा होता है, जिससे अपने को फ्रेश एयर जो इंजन के अंदर जाती रहती है। ये अपने को साइलेंसर मिल जाता है। एक फ्यूल टैंक मिल जाता है अपने को, 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और ये देख गेयर नॉब, आप देख सकते हो गेयर नॉब में रिवर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अपने में 5 गियर मिल जाते हैं। पीटीओ गियर की बात करूं, तो पीटीओ गियर, पीटीओ गियर अपने को पीछे अपने कोई भी टैंक, कुछ भी कंट्रोल करने के लिए, स्प्रे वाला टैंक, उसको चलाने के लिए बहुत काम आता है। अपने यहाँ पे एक टूल बॉक्स मिल जाता है। आप ये बैचिंग देख सकते हो, ये पढ़ सकते हो आप इंस्ट्रक्शन वीडियो पॉज करके। और अपने लिफ्ट की बात करें, तो अपने को ये लिफ्ट के 9 मिल जाते हैं, दोनों लेवल 10 तक के होते हैं, लिफ्ट होता है। ये देखो, इसकी चेतावनी दे रखी है लिफ्ट लिफ्ट नॉब की, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो इसको। काफी अच्छा यहाँ पे बैठने के लिए स्पेस मिल जाता है दोनों साइड, लेफ्ट राइट में। फ्रंट में यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाते हैं। और ये इसकी रूफ है, ये तो आप देख सकते हो, ये मिरर यहाँ पे। और ये अपने को यहाँ पे बैटरी मिल जाती है, यहाँ पे अपनी चाबी लगती है, इसको अपने ऑन कर सकते हैं। ये हजार लाइट्स ऑन करने के लिए, ये लाइट, ये फ्रंट लाइट हो गई, ये इंडिकेटर, ये लाइट की हाई बीम लो बीम करने के लिए हो गया, ये इंडिकेटर हो गया, ये अपना हॉर्न हो गया, ठीक है। ये इसका मीटर हो गया, यहाँ पे ये बैटरी बता देता है हॉट एंड कूल, ठीक है। और ये फ्यूल टैंक का बता देता है। महिंद्रा ने एक बहुत खास चीज याद रखी है अपने को, ये बहुत बढ़िया स्पेस दे रखा है अपने को। यहाँ पे ग्लव बॉक्स बोलते हैं जिसको, यहाँ पे अपने को 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है। ये खुल नहीं रहा, ये खुल गया। 12 वोल्ट का ये सॉकेट मिल जाता है। और ये फोन रखने के लिए फोन एडजस्टेबल होता है, आपको दिखा देता हूँ। वैसे फोन रखना है यहाँ पे, हाँ ये देखो फोन रख दिया इसने भाई ने, और यहाँ पे आप एडजस्ट हो गया। अब ये फोन हिलेगा भी नहीं जब तक आप इसको खींचोगे नहीं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया चीज है महिंद्रा की। और ट्रैक्टर को अगर बंद करना हो इंजन को, तो ये होता है, इसको खींच दो, लीवर को, लीवर खींचते ये पूरा ट्रैक्टर बंद हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये ट्रैक्टर में हैंड ब्रेक कहाँ होती है, आपको दिखा देता हूँ हैंड ब्रेक। ये देखो, अपने इस हैंड ब्रेक को उठा देते हैं, ये हैंड ब्रेक लग चुकी है, इसको नीचे कर देंगे, हट चुकी है। ये ट्रैक्टर की हैंड ब्रेक का चार व्हीलों को ये कंट्रोल कर लेती है।
के सिलेंडर की बात करें तो ये 4 सिलेंडर में ट्रैक्टर में आता है, ठीक है, इसमें एयर फिल्टर भी है। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो ये 2730 cc का इंजन है, आरपीएम 1900 rpm निकालता है, ठीक है, सिंगल ड्यूल क्लच चाहिए। वेट की बात करें तो वेट होगा इसके अंदर 1860 kg इसका पूरा वेट है। व्हील बेस की बात करें तो 1945 mm है। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो इसमें 3570 mm पूरा ओवरऑल मिलता है अपने को। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो लिफ्ट कैपेसिटी अपने मिल जाती है 1600 kg, मतलब 1600 kg अपने इसमें वेट इसमें लिफ्ट कर सकते हैं अपने। महिंद्रा की बैचिंग देख लो आप, काफी अच्छी बैचिंग लग रही है। ये इसका हॉर्न यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये दोनों साइड की हैलोजन लाइट होती है। इसकी ओवरऑल लुक देख सकते हो, बहुत ज्यादा काफी यूनिक लग रहा है, बहुत ज्यादा भयंकर लग रहा है आपने। चलो इसको चला के देखते हैं कैसे लगता है अपने को। ये अपनी यहाँ से चाबी स्टार्ट करेंगे इसको, ये स्टार्ट हो गया। आप इसके आवाज देख सकते हो, काफी अच्छी आवाज है। ये अपनों ने गियर लगाना, अपने को गियर लगा देते हैं अपने, ये अपनों ने गियर लगा दिया है और चलते हैं, चला के देखते हैं अपने ट्रैक्टर को कि कैसा लगता है अपने को चलाने में। पावर स्टीयरिंग तो नहीं, पावर स्टीयरिंग होता तो अपने को कुछ जोर नहीं आता। इससे बेहतरीन ट्रैक्टर कोई भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसमें फुल पावर है ट्रैक्टर के इंजन में। ये देखो आप, वो महिंद्रा दिखा देता हूँ, ये देखो महिंद्रा, एक महिंद्रा ये रहा, एक महिंद्रा आप देख सकते हो ये रहा, मतलब वर्किंग के लिए बहुत बढ़िया है ये महिंद्रा के ट्रैक्टर, कोई कमी पेशी नहीं है इसके अंदर। सब कमेंट करके वीडियो में बताना कि आपको ट्रैक्टर कैसा लगा। मेरे को तो भाई ये बहुत ज्यादा गदर चीजें लगी, बहुत बेहतर ट्रैक्टर है ये, बहुत ज्यादा खास ट्रैक्टर है। और आप एक कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके पास कौन कौन सा ट्रैक्टर है, और वीडियो को जरूर शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में।